मुंबई के कांदिवली पश्चिम स्थित महावीर नगर में वूरफेयर मॉड्यूलर किचन का उद्घाटन ममतामयी राधे माँ के हाथों फीता काटकर किया गया। यह एक हेल्दी किचन है जहाँ पर हर बजट पर एक हेल्दी किचन लोगों को मिल सकेगा। उद्घाटन के दौरान भाजपा सांसद गोपाल चेट्टी, भाजपा विधायक अतुल भाटखलकर, कांग्रेस विधायक असलम शेख, सुभाष घाई और कई जानी मानी हस्तियां पहुंची और भूपेंद्र सिंह को शुभकामनाएं दी। इस दौरान राधे माँ के आगमन पर बम पटाखों और बाजों की गूंज के बीच राधे माँ का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दे, ये शोरूम राधे माँ के बेटे भूपेंद्र सिंह द्वारा यहाँ पर ओपन किया गया है। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। मेरे ये दो बच्चे हैं, ये बंटी है, ये निशू है, इनके शोरूम का उद्घाटन है, तो मैं ओपनिंग भी आई हूँ और अपने बच्चों को बहुत सारी ब्लेसिंग देना चाहती हूँ। जननी जने ता भक्त जने, जा दाता जा सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। मेरे बच्चे बहुत लॉयल हैं माँ के लिए, बहुत श्रद्धा रखते हैं। पर एक बात और भी कहूँगी, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो माँ को भी उनके दोस्त बन जाना चाहिए। माँ एक अच्छी दोस्त है, तो मैंने इनको एक अच्छी माँ, एक अच्छी दोस्त बन के पाला है, तो इसलिए मैं यही चाहूँगी कि भगवान की कृपा से ये आगे बढ़े बहुत। तो माँ, ये जब मुझे ना कर्म पे बहुत विश्वास है और ऊपर वाले पे वो इशारा, जब वो इनको थॉट देगा अच्छे तो ये अपने आप ही बढ़ जाएंगे। और ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। माँ को अपने बच्चों का पता होता है, मेरे बच्चे बहुत ऑनेस्ट हैं, किसी का दिल नहीं दुखा सकते, किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते। आज तक ऐसा है, मैं लॉन्ग लाइफ की बात नहीं कर सकती, ये ना जुल्म करते हैं ना सहते हैं। तो इसीलिए जब ये सच्चाई से काम करेंगे तो ये बहुत बढ़ेंगे। मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस मैं यही खुश हूँ कि आज मेरे बच्चों की भी जीत हुई है। सच्चाई से अपने शोरूम में बैठे और मैं ओपनिंग करने आई हूँ, और उन्होंने ही मुझे एज मम्मी नहीं, एज माता, एज राधे माँ इन्वाइट किए हैं। माइक फिल्म, पहली बात ये है कि मैं ना टीवी नहीं देखती और मैं ऐसी निंदा सुनना ही नहीं चाहती। कहते हैं कि निंदा करना अगर पाप है तो सुनना भी पाप है। मेरे राम मेरे हृदय में बसते हैं, मेरे राम राय तू संता का, संत तेरे तेरे सेवक को पै कुछ नाई, जम नहीं आवे मेरे राम राय तू संता का, संत तेरे कबीरा ते गल कटियन के पास, करेंगे जो बनगे तू करिया उदास। तो मैं इन चीज़ों को देखना भी नहीं चाहती जिससे मैं पैनिक होकर लड़ाई करूं, मैं होना नहीं चाहती। मैंने अपने बच्चों को भी यही ज्ञान दिया है कि बेटा कोई कुछ भी करे, तुम अपना अच्छा कर्म कर दो, बुराई का जवाब अच्छाई से दो, ये मेरा ज्ञान है। देवी माँ जी की कृपा से, राधे माँ जी के आशीर्वाद से लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाला हूँ। जय माता। ये आशीर्वाद से जब आप इस शोरूम के अंदर आएंगे तो आपको नए डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, कुछ अलग देखने को मिलेगा, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज करके आपको चीज़ें मिलेंगी, और यूरोपियन स्टाइल जो इंडियन मेक है, मेक इन इंडिया है, वो आपको देखने को मिलेगा। किस तरह देखते हैं आप जब हम भी तो जीवन ही उनके साथ है, तो हमारे जीवन के जो भी निर्णय रहते हैं, जो भी हमारे डिसीजन रहते हैं, उनकी आज्ञा से ही आगे बढ़ते हैं। तो इस कहते हैं तुम अपना कर्म करो, बाकी वो बैठे हैं देखने के लिए, उसी वजह से हम अपना कर्म करते हैं, उनकी कृपा से वो चीज़ें खुल जाती हैं। तो क्या लगता है आपको, अभी आप आज के ज़माने में मॉडर्न किचन की ही ज़रूरत है, आपके पास इतना टाइम ही है कि आप सिर पे बैठ के काम करवाएं, तो ये है जो फटाफट सोल्यूशन है, इसी चीज़ों से मिलेगा आपको। तो ये यूरोप स्टैंडर्ड यूरोपियन है, तो क्यों आपको इनको यहाँ पर लेकर आना है? क्वालिटी देखी जाए, वो आने वाले टाइम पर आप जब शोरूम देखेंगे, आप भी देखेंगे, तो
जो हमारा डिसीजन है उसके लिए आप भी बोलेंगे कि सही डिसीजन था। जैसे आप इस एरिया में ऐसा कोई शोरूम आपको देखेगा भी नहीं। प्रार्थना रखी राजा माँ जी, मुझे वो जगह बड़ी पसंद है, मैंने डन कर दी। मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा मतलब परफेक्ट है। सो कांदिवली और बोरीवली के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि वर्फल एक यूरोपियन प्रोडक्ट उनके लिए लेके आया है और यहाँ पे पर्टिकुलरली उनके लिए एक हेल्दी किचन हम यहाँ पे डिस्प्ले हमने किया है ताकि वी वेलकम टू देम और यहाँ पे आके वो चीज़ एक्सपीरियंस करें। करेक्ट, जो प्रोडक्ट है वो यूरोपियन प्रोडक्ट है और हेल्दी किचन हम इसलिए कहते हैं बिकॉज उसमें जो प्रोडक्ट जो बना है राइट दे आर इको फ्रेंडली बोर्ड्स कि जो हम फॉरेस्ट्री को भी हार्म नहीं करते हैं और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है कि जिसको क्लाइंट ईजिली एक्सेप्ट कर सकता है प्लस इट्स अ कैंसर फ्री प्रोडक्ट। गोपाल जी क्या कहना चाहेंगे कांदिवली में जिस तरह से भूपेश जी ने ये शॉप की ओपनिंग हो रही है, लोग से ये ब्रांचेस लेकर आए, क्या गुड विशेस देना चाहेंगे इसे? नहीं, मुझे खुशी है इस बात को सुनकर के मुंबई में ये दूसरा दुकान है, एक अंधेरी में एक बोरेली में खुल रहा है और ये बोरेली में खुल रहा है उसका मुझे निश्चित खुशी है। लेकिन जैसे साहब ने बताया कि यूरोपियन प्रोडक्ट है, मैं चाहूँगा कि इस प्रकार के प्रोडक्ट आने वाले दिनों में हमारे देश में भी बने, कम पैसे में मिले, उससे अच्छा मिले। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब आत्मनिर्भर की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो हमने हमारे देश के प्रोडक्ट को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। मैं पिछले दिनों में कार्यक्रम में गया तो क्या उसका डांस का कुछ हुला लाला करके उसको नाम दे दिया, मतलब क्या हुला लाला करके देखेंगे, तो बाद में देखा तो पूरा गरबा का माता जी का फोटो ला कर रखा, गरबा खेलने लगे, मतलब गरबा है। तो मुझे ऑर्गेनाइजर कहने लगा गरबा बोलेंगे तो लोग आते नहीं, हुला लाला बोले तो लोग आते हैं। तो ये जो मानसिकता है इसको हमको बदलनी पड़ेगी अंदर। आज हमारा देश इतना ताकतवर बन गया है, जो चाहिए वो सारा हमारा देश में हो सकता है। तो मैं इस दुकान को शुभेच्छा देता हूँ, चाहूँगा कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा से ज़्यादा दुकान हम हमारे एरिया में खुले, मुंबई शहर में खुले, लेकिन दुकान में बिकने वाली सारी चीज़ें हमारे देश में बने। ठीक है, तो जिस तरह से हेल्दी होने के बाद ये किस तरह से आप हेल्दी को देखते हैं कि आपके स्वास्थ्य को लेकर हेल्दी है और किचन जो है वो हेल्दी मैं मानता हूँ कि एक निश्चित इसमें एक मानसिकता में बदलाव जरूर आता है। आप देखेंगे कोई व्यक्ति अगर 5-star होटल में जाता है तो पैसे ज़्यादा देता है, खाना कम खाता है। वही आदमी अगर सामान्य होटल में जाता है तो पैसे कम देकर उसको ज़्यादा चीज़ मिलती है। तो जैसा आपका एक लुक बदल जाता है, मैं इसका प्रैक्टिकल अनुभव हूँ, मैंने अपने जीवन के 55 साल झोपड़पट्टी में रहकर गुजारे हैं, लेकिन जब मैं बिल्डिंग में रहने के लिए गया तो उसका एक आनंद मुझे अलग से लगा। तो वो तो चीज़ है ही, क्योंकि जो चीज़ को भी अभी मैं देख रहा हूँ तो निश्चित उसमें एक अलग सा दिखता है। अब ये 40,000 रुपये का सिगड़ी है ना, 40,000 रुपये का सिगड़ी है तो 40,000 रुपये जब लोग पे करते हैं तो उसका कदर भी उसी तरह से ही करते हैं। अगर यही सिगड़ी 10,000 में बिकेगा तो साल में नया ले लेंगे, तो उसको जैसा चाहिए वैसा उपयोग करेंगे। एक मानसिकता का फर्क है इसमें, लेकिन है अपने आप में कुछ अच्छी चीज़ों को हमको स्वीकारना भी पड़ेगा। अगर यूरोपियन के लोग अगर इतना अच्छा चीज़ बनाते हैं तो हमने ये तय करना चाहिए कि हम इससे अच्छा बनाएंगे, लेकिन जो अच्छा है उसका भी हम सम्मान करना चाहिए, मैं करता हूँ। इसमें और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करना चाहिए, तो हम रॉ मटेरियल्स जो है जो इंडियन क्लाइंट्स के लिए हम हैंड पिक करके लेके आते हैं, बट उसको मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा होता है, असेंबलिंग होता है, वो बैंगलोर बेस हमारा प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पे ही होता है। सो इट्स अ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट। नहीं, मॉड्यूलर किचन से लेकर अभी अपन हेल्दी किचन तक ये कंपनी के माध्यम से जा रहे, इसके लिए भूपिंदर सिंह जी को और कंपनी के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जैसे फ्लैट की संख्या बढ़ेगी उसी तरह से किचन की भी संख्या बढ़ेगी और ये सभी एक्टिविटी के कारण रोजगार को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है, मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलता है। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो एक माध्यम से समाज की सेवा भी इस माध्यम से हो रही है और इसके लिए आज के इस अच्छे दिन के लिए उनको मैं बहुत बहुत शुभेच्छा बधाई देना चाहता हूँ। अतुल जी, अभी बारिश को एक दिन ही हुआ है लेकिन जगह जगह जिस तरह से पानी भर गए, जगह जगह गड्ढे नजर आ रहे, किस तरह देखते पीएमसी कितनी तैयारी कर चुके थे बारिश को लेकर? देखो, कल से तो बारिश को प्रारंभ हुआ है
और इसके लिए मुझे लगता है कि तुरंत सभी जगह पानी इकट्ठा हो गया और ऐसे नहीं, कई जगह पे हुआ है, लेकिन आने वाले दिन में उसके ऊपर और ज़्यादा कार्रवाई बीएमसी करेगी और पूरी तरह से बीएमसी सतर्क है और वो बीएमसी का सतर्कता का उपयोग करते हुए हम वाटर लॉगिंग नहीं होगा ये देखें। देखिए आज भूपेंद्र भाई ने यहाँ पे ये मॉड्यूलर किचन, आपको पता है कि ये भी मुंबई शहर है, बाकी शहरों में तो लोगों के पास इतना वक्त होता है कि वो किचन बनाते हैं घर, लोग जो हैं चाहते हैं कि रेडीमेड उनका वार्डरोब बन जाए, बेड्स बन जाए, सारी चीज़ बन जाए, लेकिन घर का सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग होता है वो किचन होता है। तो ये मॉड्यूलर किचन का आज ये भूपेंद्र भाई ने यहाँ शोरूम खोला है जिसका राधेमा ने उद्घाटन किया है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से इनका कारोबार चलेगा। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं, और डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। सुभाष भाई जी भी आए और उनके छोटे साहबजादे भी आए, तो